गाइस गुड मॉर्निंग, क्रिकेट लॉन्ड्री पे आप सबका स्वागत है। केकेआर और चेन्नई के बीच में जो मुकाबला कल खेला गया, जी हां, सीएसके ने 7 विकेटों से हरा दिया केकेआर को। सीएसके के बॉलरों ने केकेआर के बल्लेबाजों का दम निकाल दिया। मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि सीएसके मुकाबला जीतने वाला है और मेरी प्रेडिक्शन करेक्ट हुई और सीएसके मुकाबला 7 विकेटों से जीत गया। बल्लेबाजी की बात करते तो केकेआर के बल्लेबाज कल बुरी तरह फ्लॉप रहे। पहली गेंद पर तुषार देशपांडे ने फिलिप साल्ट को आउट कर दिया। इसके बाद नारायण, जो अपनी रफ्तार पकड़ रहे थे, 27 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, इनका विकेट गया। श्रेयस अय्यर, जिनसे काफ़ी उम्मीद थी, 32 रन की पारी खेली लेकिन बहुत ही धीमी थी, इसके लिए उन्होंने 34 गेंदें ले ली। तो केकेआर का कोई भी बल्लेबाज कल कुछ खास नहीं कर सका। पूरी टीम 137 रन बना सकी। केकेआर की तरफ से जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये बल्लेबाज कुछ खास करने वाला है, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। सीएसके की तरफ से मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि सीएसके की बॉलिंग काफ़ी मजबूत है, रविंद्र जडेजा, मुस्तफिजुर, दीपक चहर। तो जडेजा ने कमर तोड़ दी, 3 विकेट लिए इन्होंने, और मुस्तफिजुर ने 2 विकेट चटकाए, तुषार देशपांडे ने 3 विकेट लिए। जडेजा को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया क्योंकि जडेजा ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की। 137 रन का पीछा सीएसके ने बड़ी ही आसानी से कर लिया। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी पारी खेली, 62 रन बनाए, नॉट आउट रहे ये। अंत में शुभम दुबे, जी हाँ, इन्होंने 18 गेंद पे 28 रन बनाए, वही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वही आक्रामकता इनकी बल्लेबाजी में दिखी। आइए गाइस देखते हैं ऋतुराज गायकवाड़ का क्लास और दुबे के कुछ आक्रामक छक्कों की छलकें। तीन लंबे लंबे छक्के लगाए इन्होंने, डैरियल मिशेल ने 28 रन बनाए और सीएसके ये मुकाबला बड़ी ही आसानी से 7 विकेटों से जीत गया। तो केकेआर के बल्लेबाज कल फ्लॉप और केकेआर ये मुकाबला हार गया है। तो सीएसके ने जीत अपनी दर्ज की और मेरी प्रेडिक्शन फिर से एक बार करेक्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोज़ को शेयर कर लें। जो अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, आज क्या होने वाला है आईपीएल में, चलिए आज की बात करते हैं। मुकाबला आज होने वाला है हैदराबाद का पंजाब से। जी हाँ, सनराइज़र हैदराबाद ज़बरदस्त टीम है, कितनी ख़तरनाक टीम है, ऐसी बल्लेबाजी आईपीएल में कर रही है। हैदराबाद को रोक पाना पंजाब के लिए आसान नहीं होगा। तो बात करते हैं हैदराबाद की बल्लेबाजी की। जी हाँ, अभिषेक शर्मा प्रचंड फॉर्म में है, ट्रेविस सेंट खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्लासेन छक्के पे छक्के मार रहे हैं, मार्क राम जो है मिडिल ऑर्डर में टीम को संभाल रहे हैं, गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, अब्दुल समद, तो ज़बरदस्त टीम है। इसके विपरीत में पंजाब की बल्लेबाजी थोड़ी फ्लॉप रही है। शिखर धवन का फॉर्म, कभी बल्लेबाजी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी रन करते हैं, तो शिखर धवन को खेलनी होगी अच्छी पारी। जॉनी बिरिस्टो का भी फॉर्म कुछ खास नहीं है, तो इनको रन बनाने पड़ेंगे। लिविंगस्टन टीम से बाहर है। सिमरन सिंह एंड शशांक सिंह, जी हाँ, पिछले मैच के हीरो शशांक सिंह के डिपेंड करेगी पंजाब की बैटिंग। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है आज के मुकाबले में। प्रेडिक्शन की मेरी बात अगर मैं करूं तो मेरी प्रेडिक्शन जा रही है सीएसके सनराइज़र हैदराबाद के साथ। जी हाँ, हैदराबाद जीतने वाला है आज का मुकाबला। तो दोस्तों, क्रिकेट लॉन्ड्री पर बने रहे, मेरे प्रेडिक्शन देखें, मेरा वीडियोज़ देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो रात 7:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा, इस मुकाबले पे अपनी नज़र बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।